Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So I hope you always be happy and be fun. तो बात कर सकते हैं आज के टॉपिक पर. आज का जो टॉपिक है जो चूज़ किया गया है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही नॉलेजेबल है आज के दौर में के लिए प्रेजेंट है डे में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो दोस्तों आपको थंबनेल और डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइटल वगैरह से आपको आज का टॉपिक क्या है. आज का टॉपिक हमारे पास है कि क्या हम पैसे से खुशी कर सकते हैं. तो हमारी जो पावरफुल जो भी हमारे आजकल जो बहुत बड़ा झूठ जो हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों से बोला जा रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट सोच कर लेते हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट उसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरे नंबर पर है हमारे पास रिच पीपल. ये लोग हमसे एक बहुत ही बड़ा झूठ बोलते हैं कि हम पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते. दरअसल हकीकत तो ये है कि हम पैसे से बहुत ज़्यादा खुशी बाय कर सकते हैं, खुशी खरीद सकते हैं. तो इसी मौजू पर इसी टॉपिक पर मैंने जो वीडियो बनाई है यकीनन आपको पसंद आएगी. वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा. चैनल्स पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं. तो दोस्तों हम पैसे से बहुत ज़्यादा खुशी बाय कर सकते हैं अगर हमें मालूम हो कि हम किस वे पर हैं, किस ट्रैक पर जा रहे हैं. तो हो सकता है कि हमको कोई लग्जरी व्हीकल ना मिल व्हीकल लेने से, जैसा कि रॉयल रोलेक्स, लैम्बोर्गिनी, फरारी वगैरह खरीदने से वो खुशी ना मिल सकती हो. हो सकता है कि हमें कनाडा यूएसए यूके का कोई वीज़ा या उधर का जो कोई एक अच्छा सा अपार्टमेंट बाय करने से खुशी ना मिलती हो. हो सकता है कि हमें कुछ अच्छा अच्छा लग्जरी लाइफ स्टाइल खरीदने से कोई ऐसी खुशी ना मिलती हो. तो इन सब चीज़ों से हमें कोई ऐसी खुशी ना मिलती हो. वो हो सकता है कि हमें इनसे कोई ऐसी सेटिस्फाइकेशन ना होती हो. तो क्या ही अच्छा है कि हम इतने ज़्यादा फाइनेंशली स्टेबल हो सकें, फाइनेंशली स्टेबल हो सकें, इतने फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें कि हम अपने पेरेंट्स को, हम अपने वालदेंस को ये कह सकें कि आज के बाद आपको और कोई टेंशन और कोई परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्या ही इतने हम फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें कि हम अपने पेरेंट्स को कह सकें कि आज के बाद आपने कोई काम नहीं करना, आज के बाद आपने कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, आज आपने जितना कमाना था, आपने जितने पैसे सेव करने थे, जमा करने थे, वो कर लिया, अब हमारी बारी है, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम करें और हम बैठ कर खाएं. क्या ही अच्छा हो कि हम अपने पेरेंट्स को एक वर्ल्ड टूर करवा सकें. क्या ही अच्छा हो कि हम इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें कि हम अपने पेरेंट्स को हर साल हज उम्रे के लिए ले जा सकें. क्या ही अच्छा हो कि हम इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें कि हम अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकें और उनकी वो अधूरी ख्वाहिशात जो उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस की थी, जो हमारे लिए उन्होंने कुर्बान की थी, उनको हम अभी पूरा कर सकें. तो इन सब चीज़ों को करने से हमें जो खुशी मिलेगी, हमें जो खुशी हासिल होगी, वो यकीनन एक लग्जरी, एक बहुत सारी जो मैंने बातें की हैं उनसे भट कर होगी. और वो जो खुशी हमें हासिल होगी वो एक परमानेंटली खुशी होगी, उसकी कोई हद नहीं होगी. वो खुशी हम जब रिसीव करेंगे ना सिर्फ उससे हमें खुशी मिलेगी, हमें एक बेटर एहसास होगा, बल्कि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली भी उसमें शरीक होगी. तो इसलिए इस टॉपिक पर बात की है कि हम पैसे से खुशी खरीद सकते हैं. तो मॉरल ऑफ द टॉपिक मैंने जो अखज किया है, मैंने जो निकाला है वो यही है कि हम पैसे से खुशी खरीद सकते हैं अगर हमें पता हो कि हमने खरीदना क्या है. तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो थी, जो छोटी सी मैंने आपके साथ आपके लिए बनाई है, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट भी कर दीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर छोटी सी और रिक्वेस्ट है, अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.